डिसीजन मेकिंग, इक्वलिटी एंड रिलेशन ऑपरेटर्स, मतलब हमें सी प्रोग्रामिंग में कोई डिसीजन लेना है, मतलब कुछ कोई ऑपरेटर, कोई कंपैरिजन करनी है, कुछ रिलेशन देखना है, तो वो कैसे देखें, इसके लिए कुछ नियम है। नियमों को एक एक करके एग्जांपल सहित समझा देते हैं। तो एक सी इसमें पहले इक्वलिटी बताई जाती है। तो एलजेब्रिक इनइक्वलिटी और रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है? तो जैसे पहले हम इक्वलिटी ऑपरेटर्स की बात कर लें। इक्वलिटी मतलब कोई दो नंबर हैं या दो वेरिएबल हैं या दो वैल्यूज हैं, वो इक्वल हैं या नहीं है, तो इसके लिए एलजेब्रिक इक्वलिटी होती है इक्वल का साइन, बराबर का साइन, बराबर का चिन्ह जो होता है उसे हम बताते हैं ए है और बी बराबर हैं या नहीं है। सी प्रोग्रामिंग में इसके इक्विवेलेंट डबल इक्वल, मतलब इक्वल का साइन दो बार लिखेंगे, बराबर का जो चिन्ह है उसको दो बार लिखेंगे, ये इक्वलिटी रिलेशन ऑपरेटर को डिनोट करेगा। एग्जांपल सी प्रोग्रामिंग में उसका है एक्स डबल इक्वल वाई, इस तरह से लिखेंगे, एक्स और वाई लिखेंगे, उनके बीच में इक्वल का साइन दो बार लगा देंगे और इसको पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स है वो वाई के बराबर है। नॉट इक्वल, नॉर्मल एलजेब्रा में, नॉर्मल बीजगणित में, सामान्य बीजगणित में इक्वल का साइन है उसको एक तिरछी रेखा से काट दिया जाता है, जो नॉट इक्वल कहा जाता है। सी प्रोग्रामिंग में इसके लिए एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल, विस्मयबोधक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह और उसके बाद में बराबर का चिन्ह, इस तरह से लिखा जाता है। यदि एग्जाम्पल के रूप में देखता हूँ, एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल वाई, और इसको पढ़ा जाता है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, मतलब यदि एक्स वाई के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब रिलेशन ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब है कोई किसी से बड़ा या छोटा हो या उस तरह का, तो इसमें चार हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। सी प्रोग्राम में ग्रेटर देन को ग्रेटर देन से लिखते हैं, लेस देन को लेस देन से लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू को ग्रेटर देन और उसके बाद में इक्वल का साइन, लेस देन और इक्वल टू को लेस देन और उसके बाद में इक्वल का साइन, इनसे लिखा जाता है। सी प्रोग्रामिंग में उदाहरण के लिए ग्रेटर देन का उदाहरण एक्स लेस देन वाई है, जिसका मीनिंग एक्स इज ग्रेटर देन का उदाहरण एक्स ग्रेटर देन, मतलब जो राइट एंगल ब्रेसेस है वो और वाई है और उसको एक्स ग्रेटर देन वाई पढ़ा जाता है। इसी तरह से लेस देन के लिए एक्स लेस देन वाई है और उसको मतलब एक्स राइट एंगल ब्रेस और लेफ्ट एक्स के बाद में लेफ्ट एंगल ब्रेस और उसके बाद में वाई लिख दिया जाता है, इसको एक्स लेस देन वाई पढ़ा जाता है। जो ग्रेटर देन इक्वल टू का है उसके एग्जांपल के तौर पे एक्स ग्रेटर देन और उसके बाद में इक्वल का साइन और उसके बाद में वाई लिख दिया जाता है और इसको पढ़ा जाता है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। लेस देन इक्वल टू के, लेस देन इक्वल टू के लिए एग्जांपल एक्स बाद में लेस देन का साइन और उसके बाद में इक्वल का साइन, लेस देन का साइन मतलब लेफ्ट एंगल ब्रेस और इक्वल का साइन, जो पढ़ा जाता है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू। इस तरह से कंपैरिजन के ये छह तरीके हैं, इन छह तरीकों से सी प्रोग्राम में एक दूसरे नंबर को कंपेयर किया जाता है। इसके अलावा हम इनके कई और भी कॉम्बिनेशन लेते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो और कॉम्बिनेशंस जब लेते हैं तो उनमें हम एंड और को काम में लेते हैं, मतलब कंपैरिजन तो ये छह ही तरह की होंगी लेकिन दो कंपैरिजन को एक साथ लिखना है तो हम एक्स लेस देन इक्वल और लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड इस तरह से नहीं लिखेंगे, एक्स लेस देन वाई बाद में एंड या और जो भी जो हम आगे देखेंगे उनको लगाएंगे और उसके बाद में एक्स लेस देन वाई जेड या वाई लेस देन जेड उस जो भी हो वो लिखेंगे, उसके उदाहरण आगे देखेंगे। यहाँ पर हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक प्रोग्राम लिखा है इसको जिसमें दो इंटीजर्स डिक्लेयर किए हैं नम वन और नम टू नाम से, एन यू एम वन एन यू एम टू, और उनको बाद में एक प्रॉम्प्ट दिया है एंटर टू इंटीजर्स, दोनों को रीड किया गया है और दोनों की कंपैरिजन की जा रही है। इफ के अंदर लिखा है नम वन डबल इक्वल नम टू, यदि ये सही है तो प्रिंट करना चाहिए नम वन की वैल्यू इज इक्वल टू नम टू की वैल्यू,
यदि सेकंड कंपैरिजन नम वन इज नॉट इक्वल टू नम टू, मतलब नम वन एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल नम टू, यदि ये फुलफिल होता है तो ये प्रिंट करेगा नम जो पहला नंबर है वो इज नॉट इक्वल टू और दूसरा नंबर। इस तरह से छाओं कंपैरिजन का एक प्रोग्राम लिखा है जो जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इफ नम वन इज डबल इक्वल नम टू, तो प्रिंट एप में लिखा है परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, परसेंट पहले आइडेंटिफाइड नम वन है दूसरा नम टू। इफ एन नम वन एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल टू नम टू, तो प्रिंट किया है परसेंटेज डी इज नॉट इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पर भी पहला आइडेंटिफाइड नम वन दूसरा नम टू। तीसरा कंपेरिजन है नम वन ग्रेटर देन नम टू, प्रिंट किया नम परसेंटेज डी इज ग्रेटर देन परसेंटेज डी, पहला आइडेंटिफाइड नम वन दूसरा नम टू। तीसरी कंपैरिजन नम वन लेस देन नम टू, प्रिंट किया परसेंटेज डी इज लेस देन परसेंटेज डी, पहला आइडेंटिफाइड नम वन दूसरा नम टू। तीस नेक्स्ट कंपैरिजन नम वन ग्रेटर देन इक्वल टू नम टू, प्रिंट किया परसेंटेज डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू परसेंटेज डी, आइडेंटिफाइड नम वन एंड नम टू। अगली कंपैरिजन है नम वन लेस देन इक्वल टू नम टू, प्रिंट किया परसेंटेज डी इज लेस देन और इक्वल टू परसेंटेज डी, आइडेंटिफाई नम वन और नम टू। प्रोग्राम को थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये प्रॉम्प्ट करेगा एंटर टू इंटीजर्स, जहाँ पर हमने दो इंटीजर दे दिए टू और थ्री, टू इज नॉट इक्वल टू, तो टू और थ्री दिए तो ये प्रिंट करता है टू इज नॉट इक्वल टू थ्री। क्यों? क्योंकि टू है वो दो से छोटा है, तो ऑब्वियसली नॉट इक्वल है, वो उसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन, जो छह कंडीशंस थी उनमें से तीन सेटिस्फाई होंगी, कोई भी वैल्यू दें उसके लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। टू और थ्री है उसके लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, उन्हीं तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग ये प्रिंट कर रहा है। दो है वो तीन के बराबर नहीं है, दो तीन से छोटा है और दो तीन से छोटा और बराबर है, मतलब यहाँ पर टू इज नॉट इक्वल टू थ्री, टू इज लेस देन थ्री, टू इज लेस देन और इक्वल टू थ्री। दूसरी वैल्यू देते हैं थ्री और टू दे देते हैं, जब थ्री और टू देते हैं तो पहला नंबर बड़ा है दूसरा छोटा है, फिर से एक कंडीशन तो थ्री इज नॉट इक्वल टू टू सेटिस्फाई हुई, दूसरी कंडीशन थ्री इज नॉट इक्वल टू टू सेटिस्फाई हुई पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन थ्री इज ग्रेटर देन टू सेटिस्फाई हुई, जैसे पिछली बार टू इज लेस देन थ्री सेटिस्फाई हुई थी वैसे ही इस बार थ्री इज ग्रेटर देन टू सेटिस्फाई हुई, वैसे ही तीसरी कंडीशन थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू सेटिस्फाई होगी। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है जिसमें हमने दोनों नंबर इक्वल दे दिए, जैसे टू एंड टू दे दिया, तो टू और टू दे दिया तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, टू इज इक्वल टू टू दो दो के बराबर है, टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, और टू इज लेस देन इक्वल टू टू। अब हम इनको समझते हैं, तो एग्जीक्यूटेबल सी स्टेटमेंट्स आइदर परफॉर्म एक्शन और मेक्स डिसीजंस। तो सी प्रोग्रामिंग में जो भी हम कुछ लिखते हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, वो कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वो या तो कोई एक्शन करेगा, कमेंट्स के अलावा जो कुछ लिख रहे हैं वो या तो कोई एक्शन करेगा या कोई डिसीजन लेगा। एक्शन में प्रिंटिंग आ सकता है, एक्शन में स्कैनिंग आ सकता है, कुछ रीड कर रहे हैं वो आ सकता है, एक्शन में कुछ आउटपुट में आ रहा है वो आ सकता है, या एक्शन में कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो आ सकता है, एक्शन में डिक्लेरेशन भी आ जाता है। डिसीजन में जो भी हम इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, जो छह तरह के डिसीजंस हैं वो आते हैं, यदि वो यस कहेगा तो एक्सप्रेशन के अंदर लिखा है वो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो इसको हम देखते हैं, तो कैलकुलेशन और इनपुट और आउटपुट ऑफ डाटा है वो एक्शन के रूप में कहा जाता है, गणनाएं आंकड़े पढ़ना और आंकड़े लिखना ये एक्शन है। डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स, जो डिसीजन होगा वो हाँ या ना पर होगा, मतलब जो हमने कंपैरिजन किया वो यस कह रहा है या नो कह रहा है उसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है। सीज इफ स्टेटमेंट अलाउज ए प्रोग्राम टू मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन द ट्रूथ और फॉल्सी ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कॉल्ड कंडीशन, तो जो हमने लिखा है वो सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य है,
इस फैक्ट को हम कंडीशन कहते हैं, और सी प्रोग्राम इसी पर आधारित डिसीजन लेता है कि वो सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है। यदि कंडीशन मिल जाती है, जैसे हमने कुछ इनपुट और आउटपुट लेकर देखे, यदि कंडीशन मिल जाती है जैसे नम वन इक्वल टू नम टू, जैसे नम वन डबल इक्वल नम टू लिखा है, तो ये कंडीशन यदि हमने दोनों को टू टू लिखा था उसमें ये कंडीशन मैच हो जाती है तो ये इसको ट्रू कह देता है। और जो इसकी बॉडी में जो ब्लॉक आगे लिखा है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड के बीच में जो कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरह से जैसे एक स्टेटमेंट एक इफ एक डिसीजन हो गया, वो चाहे एग्जीक्यूट हुआ चाहे नहीं हुआ, उसके बाद में एग्जीक्यूट हुआ है तो एग्जीक्यूट होने के बाद उसके नीचे वाला काम है वो परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो सीधा नीचे जो लिखा है वो काम परफॉर्म होगा। जैसे यहाँ पर हमने हर इफ के स्टेटमेंट का एंड होने के बाद दूसरा इफ स्टेटमेंट लिखा है, तो पहला यस कहता है या नो कहता है तो उस पर दूसरे का डिसीजन नहीं होगा, दूसरे का डिसीजन फिर से लेगा। इसके अलावा इफ स्टेटमेंट में जो भी कंडीशन होती हैं वो इक्वलिटी ऑपरेटर या रिलेशन ऑपरेटर से ही बनाई जाती है, मतलब हमने जो दो इक्वलिटी ऑपरेटर इक्वल है या नहीं है वो लिखे थे, और चार रिलेशन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिखे थे, उनसे ही सारी कंडीशंस बनेंगी। इसके अलावा जो रिलेशन ऑपरेटर्स हैं इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, वो दोनों का लेवल सेम होता है, दोनों की वरीयता समान होती है, यदि दोनों लिखे हैं तो दोनों बराबर वरीयता रखते हैं, और उनको हम लेफ्ट टू राइट पहले बाएं वाला बाद में दाएं वाला हल करेंगे। इसी तरह से इक्वलिटी ऑपरेटर जो है, जो इक्वल है या नहीं बराबर है या नहीं है, वो जो ऑपरेटर है वो वरीयता में जो रिलेशन ऑपरेटर्स हैं उनसे पीछे होता है, उनसे उनके बाद में आता है, मतलब पहले ग्रेटर देन लेस देन वाले फैसले लिए जाएंगे उसके बाद इक्वल या नॉट इक्वल वाले फैसले लिए जाएंगे, और उनमें भी लेफ्ट टू राइट ही वरीयता रहेगी। यदि दो ऑपरेशन साथ आ रहे हैं तो लेफ्ट वाला पहले किया जाएगा राइट वाला बाद में। यहाँ पर एक और चीज़ आती है, जैसे हम इक्वलिटी शो करते हैं कि दो नंबर इक्वल हैं दो नंबर बराबर हैं, तो हमें असाइनमेंट के लिए इक्वल का साइन काम में लेते हैं, इक्वलिटी के लिए डबल इक्वल का साइन काम में लेते हैं, दो बार इक्वल का साइन लिखते हैं, इसलिए टू अवॉइड कन्फ्यूजिंग असाइनमेंट एंड इक्वलिटी द असाइनमेंट ऑपरेटर शुड बी रीड गेट्स एंड इक्वलिटी ऑपरेटर शुड बी रीड डबल इक्वल। तो ये कन्फ्यूजन ना आए इसलिए हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय रीड करते समय इक्वल टू जो असाइनमेंट वाला है उसको हम गेट्स कहते हैं, जैसे नम वन इक्वल टू नम टू करूँ तो नम वन गेट्स द वैल्यू ऑफ नम टू, इस तरह से पढ़ते हैं कि नम वन को नम टू की वैल्यू मिल गई है, उसका मान मिल गया है। इसके अलावा यदि कंपेरिजन वाला होता है तो उसमें दो बार इक्वल का साइन आता है इसलिए उसको हम डबल इक्वल कहते हैं। सी प्रोग्रामिंग जितने भी हम स्पेस देते हैं, न्यू लाइन एंटर दबा देते हैं या टेप दे देते हैं, वो वाइट स्पेस होते हैं, वो वाइट स्पेस उनको नॉर्मली इग्नोर किया जाता है, उनको अनदेखा किया जाता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे जो लाइन हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं, उनके बीच में कितना भी स्पेस दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आइडेंटिफायर हैं उनके बीच में स्पेस नहीं देंगे, मतलब वेरिएबल का नाम है उसके बीच में कहीं भी स्पेस नहीं देंगे। कुछ वर्ड्स हैं जो रिजर्व रखे जाते हैं, वे जो आइडेंटिफायर के रूप में काम में नहीं लिए जा सकते और उनको हम वेरिएबल के नाम के रूप में काम में नहीं ले सकते, उनमें से कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे ऑटो डबल int, struct, break, else, long, switch, case, enum, register, type def, typ, df, chr, extern, return, union, cnst, float, short, unsigned, continue, for, signed, void, default, go to, size of, volatile,
डू, इफ, स्टैटिक, वाइल, ये वो वर्ड्स हैं जिनको सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के नाम के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता। ये इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये मेटा करेक्टर्स हैं। मेटा करेक्टर्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इनको हम आइडेंटिफायर के रूप में काम में नहीं ले सकते क्योंकि ये जो वेरिएबल नेम्स हैं ये पहले से किसी और काम में आते हैं। जैसे हमने इंट और फ्लोट ये देख लिया, वॉइड को देख लिया है, इफ को देख लिया है, इसी तरह से ये पहले से किसी नाम में के रूप में ये परिभाषित हैं। इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें C99 जो ये सी प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के कुछ भाग हैं जिनमें C99 में कुछ और नेम्स को मेटा करेक्टर्स बना दिया गया है जिनको वेरिएबल के रूप में नहीं काम में ले सकते हैं, जिनमें एक है अंडरस्कोर बूल, अंडरस्कोर कॉम्प्लेक्स, अंडरस्कोर इमेजनरी, इनलाइन, रेस्ट्रिक्ट। इसी तरह से C11 जो ड्राफ्ट है स्टैंडर्ड उसमें अंडरस्कोर ALIGNS, अलिगन ऑफ, अलाइन ऑफ, अंडरस्कोर एटॉमिक, अंडरस्कोर जेनेरिक, अंडरस्कोर नो रिटर्न, अंडरस्कोर स्टैटिक अंडरस्कोर एसर्ट एंड अंडरस्कोर थ्रेट अंडरस्कोर लोकल, इनको भी हम वेरिएबल के नाम के रूप में काम में नहीं ले सकते, वेरिएबल नेम के रूप में काम में नहीं ले सकते।